हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू बीएसपी साइंस। नमस्कार, आप सभी लोगों को स्वागत है आप सभी लोगों का बीएसपी साइंस में। बी फार्मा काउंसलिंग को लेकर के बहुत सारे सवाल जो कि खड़े हो रहे थे, तो उससे रिलेटेड एक लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के सामने लेकर के आ गए हैं। और वो लेटेस्ट अपडेट क्या है, बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो हे एवरीवन, मेरा नाम है पुनीत राजपूत, आप लोग प्यार से मुझे पुनीत सर पुनीत भैया बुलाते हैं। और स्वागत है आप लोगों का आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म बीएसपी साइंस में। बीएसपी साइंस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप लोगों को एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड सारे अपडेट्स, काउंसलिंग से रिलेटेड सारे अपडेट आप लोगों को प्रोवाइड कराता रहता है। प्लस देखिए, अभी जो बी फार्मा के स्टूडेंट्स हैं उनकी काउंसलिंग को लेकर के बहुत बड़ा सवाल उठा हुआ है कि आखिर कब से काउंसलिंग स्टार्ट होगी। और आप भी शायद उन्हीं स्टूडेंट्स में से हैं जो काउंसलिंग का बेहद ही बेसब्री से वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, है ना। तो अब उसी से रिलेटेड हम लोगों ने कुछ कॉलेजेस में बात की है, कुछ कॉलेजेस में चीजों को चर्चा की है, डिस्कस किया है। तो कॉलेजेस ने यह बोला है कि देखिए, हम लोगों ने डायरेक्ट एडमिशन स्टार्ट कर दिए हैं, है ना। तो डायरेक्ट एडमिशन स्टार्ट कर दिए हैं, पहला पॉइंट उन्होंने ये बोला। दूसरा पॉइंट उन्होंने बोला कि हम लोग कब तक काउंसलिंग के भरोसे बैठे रहेंगे। काउंसलिंग के भरोसे अभी बैठना थोड़ा सा हमारे पेशेंट्स के भी भार हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। तीसरा पॉइंट उन्होंने बोला है कि जो कॉलेज के बड़े बड़े डायरेक्टर से हम लोगों ने बात करी, तो उन्होंने बोला है कि देखिए, जो अप्रूवल प्रोसेस है वो उनके लिए, उन कॉलेजेस के लिए खतरा है जो एक दो या तीन साल पहले ही ओपन हुए हैं। अब जिस कॉलेज को लगातार पिछले 8 या 10 साल से अप्रूवल मिलता हुआ आ रहा है, तो ऑब्वियसली उसको 2024-25 में भी अप्रूवल मिल ही जाएगा, उन्होंने ये चीज बोली है। बट भाई, हम लोग तो बोलने पर विश्वास नहीं कर सकते हैं, भाई इस बार नहीं मिला तो क्या, है ना भाई। ऐसा तो नहीं है कि जैसे कई सालों से कांग्रेस जीतती हुई आ रही थी, तो अब हर बार कांग्रेस ही जीतेगी, तो ये चीजें तो थोड़ा सा पचाने वाली नहीं है। पर लेकिन आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि वेस्ट बंगाल में, यानी कि बंगाल में, है ना, उसके साथ साथ मध्य प्रदेश में और काफी सारे ऐसे स्टेट्स में क्या है, काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। यूपी में काउंसलिंग को स्टार्ट होने के लिए अभी अक्टूबर तक का टाइम लगेगा, ये तो बिल्कुल तय है, इसकी तो कोई भी हम लोग नहीं बोल सकते कि ऐसा कुछ होगा। पर लेकिन मैं आप लोगों को यही चीज बोलूंगा कि आप लोग अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको रेडी रखिएगा बेटा जी, आपकी जो फीस है उसको रेडी रखिएगा, क्योंकि कि अगर जो आप इन चीजों में डिले करेंगे तो बेटा जी आपका एडमिशन नहीं होगा और एक साल खराब हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर जो बात करता हूं, आप सोच रहे हो कि बी फार्मा ना करके, अगर जो बी फार्मा में ना हुआ तो कोई और कोर्स में एडमिशन ले लूंगा, मान लीजिए कि एग्जांपल के तौर पर आपने ये सोचा हुआ है। पर लेकिन 2024-25 के सेशन के लिए भाई क्या हो रहा है, बी फार्मा में ही सबसे लेट एडमिशन हो रहे हैं। यानी कि क्या कि अगर जो आपका बी फार्मा में नहीं हो पाता है, तो आप जो सोच रहे हैं कि बी टेक में ले लूंगा या फिर बीबीए में ले लूंगा, बीसीए में ले लूंगा, तो भाई वहां पर तो सीट्स ऑलरेडी फुल हो जाएंगे तब तक, तो आपके पास में एक लास्ट ऑप्शन यही बचेगा। तो भाई आप लोग अपनी जो क्या है फीस है उसको तैयार रखिए, आप लोग क्या है बेटा जी अपने डॉक्यूमेंट्स जो है उनको तैयार रखिए, फिजिकल प्रेजेंटेशन के लिए यानी कि फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए तैयार रहिएगा, है ना। जो आपकी क्या है फिजिकल रिपोर्टिंग होने वाली है उसके लिए रेडी रहिएगा, ताकि कि जैसे ही राउंड ओपन होते हैं आप उनमें एंटर करें, आपको कॉलेज अलॉट हो और आप सीधा क्या है अपने एडमिशन की प्रक्रिया स्टार्ट कर दें, ठीक है जी। तो पेशेंस रखिए, बस यही मैं आपसे बोलूंगा, अक्टूबर में हर जगह की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, ये भी बिल्कुल 100% वाली बात है, ठीक है। चलिए, बाकी आप लोगों को क्या लगता है और आप लोगों के फैमिली मेंबर्स क्या बोल रहे हैं इस बार एडमिशन को लेकर के, वो आप कमेंट करके जरूर बताएं। और आप लोगों की फार्मेसी की जर्नी को बिल्कुल ही सरल और इजी बनाने के लिए बीएसपी फार्मेसी ऐप आप लोग जरूर से जरूर डाउनलोड करें। नीचे आप लोगों को स्क्रीन पर नंबर भी चलता हुआ दिख रहा होगा, आप इस नंबर पर कॉल कीजिए और आप लोगों की बी फार्मा की ऑनलाइन क्लासेस और घर पर अगर जो नोट्स मंगाने हैं, है ना, मॉडल पेपर, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, लाइव क्लासेस, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, इन सारी चीजों के लिए आप लोग बीएससी फार्मेसी का कोर्स जरूर ज्वाइन करें। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट करें। मिलते हैं आप लोगों से ऐसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।